नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर स्टिचिंग में फिनिशिंग कैसे लाएं इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई जादू की झपकी तो है नहीं, यहाँ मेरे पास ऐसी कोई दवा है जो मैं आपको पिला दूँ और आपके स्टिचिंग में फिनिशिंग आ जाए। मैं यहाँ पर आपको से ऐसे 4-5 टॉपिक हैं उनके बारे में बात करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में हो सकता है 100% फिनिशिंग आ जाए। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन जरूर से दबाएं, उससे क्या है कि हमारे वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। पहला टॉपिक अपनी स्टिचिंग में फिनिशिंग लाने का ये है कि आपकी जो मशीन है उसका रखरखाव आपका अच्छी तरह से होना चाहिए। आप जब भी स्टिचिंग करें तो उसमें जो धागे का मेल है, धागा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि नीचे वाला धागा खराब आता है, ऊपर वाला धागा सही आता है, या नीचे वाला सही आता है, ऊपर वाला धागा खराब आता है। तो ये धागे का जो मेल होता है वो बिल्कुल से सही आना चाहिए, तो वो भी एक मेन कारण होता है स्टिचिंग सही तरीके से न आने का। और दूसरा जो टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरी जो है कि आप अगर प्रोफेशनली स्टिचिंग नहीं जानते हैं तो पहले अपने जो स्टिचिंग में थोड़ी सी फिनिशिंग लाएँ। ऐसे कुछ एक पैटर्न या कुछ एक आइटम ऐसे बनाएं जिनके ऊपर आपकी फिनिशिंग है जो इम्प्रूवमेंट हो सके। जैसे आप नाड़ा बनाएं, उस पर नोक की सिलाई लगाने की कोशिश करें, दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर लंबा आप नाड़ा बनाएं, लंबा मतलब चौड़ाई के अनुसार, तो वो बिल्कुल बराबर आए। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपके स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं है। तो कोशिश ये करें कि आप जो नाड़ा बना रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर आप सिलाई लगा रहे हैं उसके ऊपर अच्छे से आपकी सिलाई आनी चाहिए। अपना तीसरा टॉपिक आता है कि आपकी जो कटिंग है वो भी कहीं ना कहीं स्टिचिंग फिनिशिंग में न आने का एक मुख्य कारण होता है। अगर आपकी कटिंग में फिनिशिंग नहीं है तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग से नहीं आएगी, या तो आपकी आस्तीन बढ़ जाएगी, गला चौड़ा हो जाएगा। अगर आपकी कटिंग नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो उसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आपको और अच्छे से सीखना चाहिए। कटिंग अगर परफेक्टली होगी तो आपकी स्टिचिंग भी परफेक्टली आएगी। एक नॉर्मल सी बात यहाँ पर और बताना चाहूँगा, अगर आप जल्दबाजी में कोई भी कपड़ा या सूट्स वगैरह बना रहे हैं तो जितनी आप जल्दबाजी करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा काम का नॉलेज कम है तो आपका सूट्स वगैरह में जो है फिनिशिंग नहीं आएगी। आप जब भी बनाएं सूट्स वगैरह तो उसमें अगर आपसे एक चीज़ ऑल्टर हो रही है तो उसको वहीं पर रोक दें, उसे दोबारा खोलें और फिर से उसे टांका लगाएं, सिलाई लगाएं, तो आपकी सिलाई फिनिशिंग से आएगी। क्योंकि कभी कभार होता है कि अभी मुझे देना है, जल्दी करना है, सिलाई लगा दी तो वो हमेशा की आदत बन जाती है और वो एक रद्दी काम जो है बनता रहता है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें, जब भी आपका कोई काम खराब हो, सिलाई खराब आए, नोक की सिलाई ना आए, इधर उधर सिलाई जा रही हो या सिलाई फिनिशिंग से नहीं आ रही हो, तो उसको वहीं पे रोकें और उसको दोबारा से करने की कोशिश करें, तो आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग जरूर हो। और लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका जो मेजरमेंट लेने का तरीका है, बॉडी मेजरमेंट लेने का तरीका, या किसी सूट्स वगैरह से नाप कर कटिंग करते हैं तो वो भी एक परफेक्टली होना चाहिए। किसी सूट्स में आप 3 इंची लूज दे रहे हैं, किसी में 4 इंची दे रहे हैं, या किसी में नहीं दे रहे, एक मेथड के हिसाब से, जैसे 2 इंची प्लस करते हैं नॉर्मली सूट्स के अंदर, वो हमेशा रखेंगे, या सूट्स अलग अलग सूट्स के अनुसार आप जैसे रखते हैं वैसे ही रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपकी स्टिचिंग में बिल्कुल से अच्छे से फिटिंग से और सिलाई में जो है अच्छे से फिनिशिंग आएगी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।